हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एआई से रिलेटेड। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको अपडेट रहना। एवरी टाइम अगर आप अपडेट रहते हो तो आपको रैंक लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज की डेट में जो एआई की करेंट टेंडेंसी जो चल रही है, लोग परेशान हैं कि क्या एआई का टूल्स हमें यूज करने से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं, कितना टाइम्स आपको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना है। ऐसे नहीं कि आपने देखा और यूज किया तो वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, उसका इम्पैक्ट सर्च पे नहीं दिखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एआई टेक्नोलॉजी यूज करने हैं फॉर द प्रमोशन के लिए, तो कुछ वहाँ पे फैक्टर्स हैं जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद वो डेटा निकाली है और इवन मैंने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशंस मैंने किए हैं और जो मैंने रिसर्च डेटा निकाली है उसे मैं आपके सामने एक प्रेजेंट करूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपको कैसे यूज करना है। और सबसे बड़ी फैक्टर क्या होती है पता है? सबसे बड़ी फैक्टर होती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा मीडियम है जिससे ये पता चलता है कि कितने यूजर्स ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, राइट? अभी आप देखो, मैंने यहाँ पे टॉपिक जो बनाया है इम्पैक्ट ऑफ द एआई ऑन सर्च इंजन रैंकिंग्स। अभी आप देखिए, यहाँ पे जो मैंने डेटा निकाली है, ये डेटा कहीं ना कहीं से मुझे बहुत अच्छी लगी और लगा कि नहीं, दिस वन इज़ अ वेरी जेन्यून डेटा। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कंपनी यूजिंग एआई फॉर द एसईओ आउट परफॉर्म कॉम्पिटिशन बाई 50% एज पर रिसर्च। अब डेटा से आपको आइडिया लगेंगे कि कितने लोग इस तरीके से यूज कर रहे हैं। 61% ऑफ मार्केटर प्रायोरिटाइज इम्प्रूविंग एसईओ विथ एआई। 86% यूजर बिलीव एआई लेड एसईओ कैन लीड टू प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। अभी आप देखो, कहीं ना कहीं रेशियो जो है ना 50% टू 90% के अप्रॉक्स है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट जो जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं एआई टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर रही है उस टेक्नोलॉजी में, एसईओ की टेक्नोलॉजी में। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे 48.9% एसईओ प्रोफेशनल एक्सपेक्ट बजट्स इंक्रीज फॉर एआई इन 2024। आई थिंक 2030 तक ये रेशियो 71-75% के बीच हो जाएगी। ओके, एआई कैन ऑटोमेट टेक्निकल एसईओ टास्क, लिंक ब्रोकन, लिंक बिल्डिंग एंड स्कीमा मार्कअप। देखिए, ये जो डेटा है ये आपके जो मेरे अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कहने का मतलब है कि सही बात है कि कहीं ना कहीं एआई टेक्नोलॉजी हमारी एसईओ में आ गई है। अब डिपेंड करता है कि उस टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज करेंगे और उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना है। फ्रेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है साइट के लिए? क्वालिटी कंटेंट। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है, पावर है, कोई नहीं रोक सकता रैंक लाने से। पर कितने लोगों को ऐसे पावर मिलते हैं? इसमें से ऐसे लोग हैं जो एनालिसिस कहती है ओनली द 16-70% पीपल्स आर यूजिंग द क्वालिटी कंटेंट। अगर वो एआई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अगर वो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट यूज करते हैं। एआई पावर्ड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल के एनालाइज यूजर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स और लीडिंग टू ए 432-434% इंक्रीज इन इंडेक्स पेजेस एंड हायर रैंकिंग। ये हब स्पॉट जो बहुत बड़ी वेबसाइट है आईटी टेक्नोलॉजी में, उनकी रिपोर्ट के अनुसार वो कहते 434% चांसेस हो जाते इंक्रीज होने की रैंकिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 65.8% ऑफ पीपल फाइंड एआई कंटेंट इक्वल टू और बेटर देन ह्यूमन रेटेड। लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो उससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है एक बेटर रेटिंग से। 63% ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट एआई जनरेटेड कंटेंट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बायस और इनएक्यूरेसी। और 64.3% पीपल से मानते हैं कि कंटेंट जो देती है ये, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है। जो ह्यूमन लिख सकता है, जो आप उसे बता सकते हो, तो क्यों नहीं आप उसी जो आप राइटर को बताते हो, क्यों नहीं उसे आप अपने प्रॉम्प्ट को अपने समझ कर उसी आप एआई से आप मांगते हो कि हाँ मुझे विच टाइप ऑफ द कंटेंट यू विल नीड। क्यों ज़रूरी है कंटेंट? क्योंकि जब तक आप किसी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कंटेंट नहीं लिखोगे करोगे तो वो रिजल्ट्स नहीं बताएगा। मैं ये नहीं बताऊँ कि मैं जाके चैट जीपीटी में ये टाइप करूँ कि हाउ टू राइट अ कंटेंट फॉर मोर इंगेजिंग, मोर कन्वर्सेशनल,
फ्रेंड, इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसको आप एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएंगे कि किस तरीके के टोन आपको यूज करने हैं और क्या उसकी प्रेफरेंसेज है। राइट, अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी ही डेटा की। आप यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे निकाली है, ओके, सिंगल ग्रेन से। ओके, तो आप यहाँ पे देखो प्रोस एंड कॉन्स क्या है। देखिए, हर टेक्नोलॉजी में, चाहे एक ह्यूमन कंटेंट क्यों नहीं लिखे, तो उस कंटेंट में भी बहुत सारी अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। सेम कंडीशन ऑन द एआई टेक्नोलॉजी से जब भी आप कंटेंट निकालते हो तो वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रोस एंड कॉन्स की तो ज़रूरत पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने वो प्रॉम्प्ट लिखी और कंटेंट आपके पास बिल्कुल 100% रेडी आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू रिसर्च रिसर्च रिसर्च। अगर आपने उस रिसर्च को फॉलो अप कर लिया तो कहीं ना कहीं वो एआई कंटेंट भी ह्यूमन कंटेंट आप तरीके से बना सकते हो। और इसके कुछ बेस भी हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आई एम नॉट गोइंग फॉर द डिटेल्स हियर कि ये कैसे होता है। ये सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, आप एक बार देखोगे तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अभी आप देखो, प्रॉस तो है भाई, सेव टाइम है आपका। ओके, इंक्रीज्ड ब्लॉक ट्रैफिक, क्योंकि आप मतलब कि आप फॉलो करते हो उनके रूल्स को, उनके ये एआई जनरेटेड कंटेंट को, तो डेफिनेटली आपको मिलते हैं एक टाइम तक। वो टाइम कब तक होती है? वो टाइम तब तक होती है जब तक कोई नया एल्गोरिदम की अपडेट ना आ जाए। तो दीज आर द प्रोस एंड कॉन्स तो हर जगह है, लेकिन आप अगर समझ के एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज करते हो तो आप सेफ भी रह सकते हो उसके पीछे। क्योंकि आपको खुद अपने कंटेंट को थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, थोड़ी सी समझनी है, थोड़े से सिंपल वर्ड्स यूज कीजिए जो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग हो। राइट, सो आप बेटर कंटेंट एआई से कर सकते हैं। आप देख लो रेशियो, 60% लोग मानते भी हैं, 60% लोग कहते हैं नहीं, दिस वन इज द रॉन्ग। अब कितना सही कितना गलत है वो आपको अपने रिजल्ट्स जब आप वर्क करते हो उससे पता चलते हो। यूजर एक्सपीरियंस का भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में एआई ड्राइवन वेबसाइट्स के लिए यूज हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इनक्रीज। और देखिए यहाँ पर रिजल्टिंग जो आ रही है, 36% इंक्रीज इन कन्वर्सन या इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स। भाई सीधी सी बात है, किसके पास इतना टाइम है कि वन बाई वन जाके छोटी छोटी एनालिसिस की जाए। सो लोगों ने एआई ड्राइवन टूल्स आप यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डेटा जो जनरेट होती है उससे अपने साइट की करेक्शन एक्सपीरियंस को सही करते हैं। और डेफिनेटली इसके पीछे ये है कि लोगों को बेटर रिजल्ट्स चाहिए, लोगों को क्वालिफाइड लीड्स चाहिए, लोगों को एक सेल्स चाहिए जो रियल में उनको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग में हेल्प करे। अभी देखो 57% ऑफ ऑल कंज्यूमर सेड दैट एआई विल इंक्रीज देयर क्रिएटिविटी एंड विद इन जेन जेड दैट नंबर इज इंक्रीज 25%। फ्रेंड, ये कोई बहुत छोटी डेटा नहीं है, ये बहुत बड़ी डेटा है। इवन द मार्केट इज गोइंग वेरी चेंजेज। मैं देख रहा हूँ मार्केट इतनी ज़्यादा चेंजेज होती जा रही है, मैं भी समटाइम्स आई एम कन्फ्यूज, क्या करें, कैसे करें, क्या इस कंटेंट को यूज करें ना करें, मैं भी डर जाता हूँ समटाइम्स। बट वो कब तक, आपको उस डर को निकालना है। अगर आपको लगता है कि गूगल जैसे जो सर्च इंजिन्स हैं वो यूज करते हैं, वो समझते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट है, अगर ये एआई जनरेटेड कंटेंट है तो वो क्यों अपने गूगल के अंदर उस टेक्नोलॉजी को लाया। आप समझो इन चीज़ों को। जब भी आप गूगल में कोई भी डेटा आप सर्च करते हो, राइट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ google.co.in, चलिए ठीक है। अब मैंने बहुत ही सिंपल इसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज SEO? तो आप यहाँ पे देखो ये डेटा क्यों आई यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पीट करना है इसे मार्केट में, कि कहीं ना कहीं चैट GPT इनसे आगे निकल जाए या कोई अनदर सर्च इंजन इनका कॉम्पिटिटर ना बन जाए। सो लॉट्स ऑफ द फैक्टर्स हैं जहाँ पे अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें ना तो काफ़ी डेटा वहाँ पे निकल के आ जाती है। और देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंटेंट कंसाइज होंगे, आपके यूजर एक्सपीरियंस बेटर होंगे, यू कैन गेट ए बेटर रिजल्ट्स। ऐसे अगर आप समझते हो तो इस तरीके से आप अपना वर्क को मोर क्लैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अभी आप देखो मैंने एक और डेटा यहाँ पे निकाली है, AI बेस्ड UI डिज़ाइन की वैल्यू। अभी आपके सामने मेरे स्क्रीन आ रही है। ये डेटा निकालने का पर्पज़ क्या है? ये डेटा निकालने का पर्पज़ क्या है कि आपको समझ में आनी चाहिए इसकी परस्पेक्शंस क्या हैं, इसकी एनालिसिस कैसी है, करेंट एनालिसिस क्या है। सो यू कैन सी हियर ना, UX UI डिज़ाइनर्स के लिए किस तरीके से कितने लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। सो आप देखो ना रेशियो 40%, राइट, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, 40%। ये देखिए
जनरल डेटा प्रोसेसिंग डिजाइन में 18%। सो लोगों ने कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को मर्ज किया है SEO में, हम करें ना करें बट ये चीज़ें मर्ज होती जा रही है। ये कितना टाइम में जाएगी किसी को नहीं पता। क्या अभी आप बड़ा सिंपल सी बात है, मैं मानता हूँ कि AI टेक्नोलॉजी के आने से लॉट्स ऑफ द लोगों की बहुत ही हेल्प हुए है, बहुत लोगों की काम जल्दी में हो रहे हैं। टूल्स यूज किया, कंटेंट निकल गया, टूल्स यूज किया, उनके पास पूरी डेटा आ गई कि ये चीज़ें आप यूज कर सकते हो। बट फिर भी गूगल ने रिकमेंड अभी तक नहीं की कि AI कंटेंट अगर आप यूज करते हो तो वो कहता है कि आप करो यूज, मना नहीं है। बट AI कंटेंट में क्या आपने उससे टर्म्स कंडीशन जो ह्यूमंस की नीड है क्या उसको आपने फॉलो किया या नहीं किया? तो थोड़ा सा सोचो ना इन चीज़ों पे भी। कंटेंट लिखो मत सर्च इंजिन के लिए, कंटेंट लिखो ऑडियंस के लिए। यहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट्स की भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अब आते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में। देखिए कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में भी आज की डेट में क्या है कि आपको पता होना चाहिए किस तरीके के कीवर्ड्स लोग यूज़ करते हैं। वो तो आप गूगल से भी निकाल लोगे, किसी भी टूल से निकाल सकते हो। लेकिन जब से ये AI की आई है तो ये क्या करता है, आप थोड़ा सा ये डेटा देखो। AI एल्गोरिदम हेल्प आइडेंटिफाई रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट रिजल्टिंग इन 2000% इंक्रीज ट्रैफिक। यार ये कोई छोटी डेटा थोड़ी है जो सर्च इंजिन जनरल जैसी साइटें कह रही है 2000% इंक्रीज इन द ट्रैफिक बेटर सर्च इंजिन रैंकिंग। मुझे तो यही लगता है कि मैं भी जब इस डेटा को एडिट करता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि जैसे हाँ समटाइम्स कहीं मैं मिस्टेक्स कर जाता हूँ वो डेटा को यूज़ करने में। क्या हो सकता है, या तो हो सकता है वो माइंड मेरे सामने उस समय चल नहीं रही, या मैंने डीपली रिसर्च नहीं की हो। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ फ्रेंड्स, लोगों ने AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, यू कांट बिलीव। जो लोग 500 ने सोचे थे वो आज 50,000 और 1 लाख की बात करते हैं, 1 लाख वाले 10 लाख की बात करते हैं। तो डेफिनेटली ये क्या है, रिजल्ट ही तो है ना। और देखिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कीवर्ड्स पावरफुल होंगे, कीवर्ड ऑप्टिमाइज बेटर तरीके से होगी। फ्रेंड मैं आपको बताऊँ, अगर आपने AI टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो ना तो आप प्रॉम्प्ट लिखना सीख लो। गलती ही सही, गलती से ही वो चीज़ें सही होंगे। 10 बार होंगे ना अपडेट क्या होगा, करो आप देखो आपके पास एक अच्छी कंटेंट निकल के सामने आ जाएगी। आप उस कंटेंट में थोड़ी सी चेंजेज करो, थोड़ी सी सोचो कि AI टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स आ रहे हैं उसको हम कैसे रिमूव करके एक सिंपल वर्ड्स यूज करें जो एक ऑडियंस को समझ में आए। वो कंटेंट ह्यूमन रिलेटेड हो जाएंगे, यूज करो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेफिनेटली जिस तरीके से ये डेटा यहाँ पे आ रही है, स्टैटिस्टिक्स देने का मेरा पर्पस ही यही था कि आप समझ सकते हो कि 2000% एक बहुत बड़ी डेटा होती है। वॉइस सर्च की मार्केट वैसे ही आगे जा रही है। आप देखो AI पावर्ड वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन टूल्स क्या कर रही है, 50% आप सोचो 2023 की डेटा है ये, 50% जो है लोग यूज़ कर रहे हैं वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन की। एंड ओवन इन द 5 पीपल्स के भी 21% वॉइस सर्च रेगुलरली। क्यों करते हैं, इसके पीछे टाइम है। आपको लॉन्ग टर्म्स कीवर्ड्स को अगर यूज कर रहे हो तो आप थोड़ी ये मोबाइल पे लिखने जाओगे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, व्हाट इज़ द कीवर्ड रिसर्च, नहीं कोई नहीं लिखता। आप सीधे उस स्पीकर को ऑन करोगे और डेफिनेटली आप वॉइस सर्च के थ्रू जनरेट कर लोगे। तो लोग ना इसको यूज़ करते जा रहे हैं। कुछ लोगों को अगर 10% लोगों को आइडियाज़ भी अगर नहीं है तो वो भी जान गए कि अब ये चीज़ एक सिस्टम कैसी यूज़ करने वाली है। और देखिए कहीं ना कहीं AI वॉइस की जो ये आ गई है ना, तो डेफिनेटली आप क्या बोल रहे हो, ऑडियंस, ऑडियंस क्या है कि एक कीवर्ड ही बोल रहा है उस पर, तो वो क्या हो रहा है, वो जनरेट हो रहे हैं। उस टर्म्स को अगर आप अपने कंटेंट के अंदर लाते हो तो आप सोचो कितना फ्रूटफुल आपको रिजल्ट्स मिल सकता है, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे वॉइस सर्च की मैं बात कर रहा था, अभी आपके सामने पूरी डेटा आ गई है। 18 से 24 ईयर्स के लोग 59% हैं जो लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे एवरी डे 65% लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 50+ पे 57%। फ्रेंड ये डेटा कोई छोटी मोटी डेटा नहीं है, हर स्टेप्स पे आप देखो कितनी ज़्यादा AI की इन्वॉल्वमेंट होती चली गई है। अब स्कीमा मार्कअप की बात करते हैं। देखिए दीज आर द ऑल द लेटेस्ट टेंडेंसी। अगर आप इस टेक्नोलॉजी को समझ लेते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। फ्रेंड बहुत लोग कहते हैं यार आप एक ही एक्सेल या वर्ड ओपन करके पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे लिखते हो, कोई साइट्स नहीं। देखो दिस वन इज़ द एजुकेशनल साइट्स। मैं लोगों को चाहता हूँ कि अटेंशन बने उनकी, जो लोग ऑलरेडी
समझ नहीं पा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को कि कैसे यूज करना है। आप अगर टेक्नोलॉजी को समझ जाओगे तो यूज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। मेरा पर्पस क्या है कि मैं बीच में, लोग कहते हैं कि अच्छे कुछ इमेजेस डाल दो अपने अपडेट में, तो थोड़ा सा एक लोगों का माइंड भी जाएगा, अरे वाह ये चीज़ें। मैं मानता हूँ वो चीज़ें इतना इम्पैक्ट करती हैं, और लेकिन मेरा क्या कहना है कि वो कंसंट्रेशन वहाँ से हट जाती है कि मैं क्या स्टडी कर रहा था अब क्या कर रहा हूँ, राइट। डायरेक्ट से कि मैं चाहता हूँ कि फुल वीडियो में मैं कहीं ऐड ना हो, मेरे वीडियोज़ में कहीं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, कोई इमेजेस ना हो, कोई वीडियोज़ ना हो जो मैं ऐड कर दूँ। सो उससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, राइट। अब ये स्कीमा की बात करते हैं, स्कीमा मार्कअप पे आपको 30% इंक्रीज इन द CTR एंड इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। ये भी जो डेटा है सर्च इंजन जनरल की डेटा है। एक और डेटा मैंने निकाली है, आप देखो स्ट्रक्चर डेटा विल स्टे, कितनी बड़ी डेटा है यहाँ पे 100%। आपको पता है ये चीज़ें स्कीमा मार्कअप मेरे को अब बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द SEO कोर्स में ये सारे मैंने ऑलरेडी बना दिए। सो स्ट्रक्चर डेटा में आप देखो यहाँ पे कम्युनिटी जो मैंने यहाँ पे लिखा, वेब मास्टर गाइडलाइंस, schema.org, इन्वेस्टिगेशंस, रिसर्च एंड रिपोर्ट्स, मेजरमेंट, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, द जेन AI चैलेंज। हर जगह AI की बात हो रही है, आप समझ लो ना वजह क्या है। बताने की ज़रूरत मेरे को नहीं है कि यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर जो स्कीमा मार्कअप है क्यों यूज करना चाहिए, AI टेक्नोलॉजी आने से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ी है। लोकल SEO, एवरीवन इज अवेयर अबाउट द लोकल SEO। अभी आप देखो AI टेक्नोलॉजी के लोग यूज करने लगे हैं तो वो डेटा यहाँ पे 46% ऑफ ऑल द गूगल सर्चेस को इसने कैच किया विद द थिंक विद गूगल जैसी साइटों से ली गई है। ये बहुत ही रिप्यूटेड वेबसाइट है, आपको पता है इसकी ऑथोरिटीज भी बहुत अच्छी है, लोग इन साइटों पर पढ़ना पसंद करते हैं, डिटेल्स आती है लेटेस्ट। सो मेरा कहना है कि 46% नॉट अ स्मॉल डेटा, दिस वन इज द वेरी बिग डेटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा निकल के आई है, ओवर 75% ऑफ द लोकल सर्चेज कन्वर्ट इनटू लीड्स। 75% लीड्स का मतलब क्या होता है कि यानी कि 100 में 75 की सक्सेस मिल रही है, 100 पीपल्स आर कमिंग, 75 आपका लीड्स वो कन्वर्ट हो रहे हैं। लोकल पता है 3 की कॉम्पिटिशन में आपको कितना बेस्ट करना है, लोकल ऑप्टिमाइजेशन ये बता रही है। और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है क्योंकि मैंने इसमें AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपको यहाँ पे जो डेटा आपको दिखाई है कि 46% आर कॉन्ट्रीब्यूटेड AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने साइट की, अपने जो गूगल लोकल लिस्टिंग है उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। लोकल लीड्स आप देख लो कितने बढ़ रहे हैं, क्लोज रेट ऑफ द नियरली 15%, 28% ऑफ द लोकल सर्च रिजल्ट इन परचेज विद इन 24 आवर्स, 64% ऑफ स्मॉल बिजनेस हैव ए लोकल SEO प्रेजेंस, 40% ऑफ द लोकल SEO कैंप पे अचीव 500% और बेटर ROI। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने तरीके से AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए लोकल SEO पे अपने ऑप्टिमाइज कर ली और प्रमोट कर ली तो आपको क्या मिल सकता है, राइट। अब आगे जो फ्यूचर स्निपेट्स, ये क्या है, AI पावर्ड कॉन्टेंट एनालिसिस टूल्स हेल्प ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट फॉर फ्यूचर स्निपेट्स, रिजल्ट इन 516% इंक्रीज इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड हायर सर्च इंजिन रैंकिंग्स। अब सिर्फ बहुत बड़ी डेटा होती है। अब ये डेटा किस तरीके से शो होती है आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे जैसे एक स्क्रीनशॉट डाली है, सो यू कैन सी हेयर अब किस तरीके से यहाँ पे स्निपेट्स बन रहे, ओवरव्यू, AI ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जो डेटा आप पे वहाँ पे ऐड कर रहे कंटेंट। और देखो कहीं ना कहीं सारा जो गेम पॉइंट है वो सब कॉन्टेंट पर ही डिपेंड है, कंटेंट पर जितनी भी क्लैरिटी होगी आपके रैंक में उतनी ही क्लैरिटी आएगी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जब से AI टेक्नोलॉजी आई है इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ गई है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, ये दिस वन इज द टेक्निक्स ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर द यूजर इंटेंट लीडिंग अ 68% इंक्रीज इन द यूजर इंगेजमेंट एंड इम्प्रूव सर्च इंजिन रैंकिंग्स। सो अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप देखो कीवर्ड टूल्स पे आ गए हैं, कीवर्ड्स भी उसके अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट करता है। सो कहने में ये नहीं होगी कि हाँ ये डेटा आपको थोड़ा सा ये कर देगी, राइट। अभी जो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाए हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिक्स, आप देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ इट्स मेन फोकस बीइंग द फैसिलिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग
interpreting, generating human language. Its primary goal encompasses languages comprehension, creation, translation, sentiment assessment and data retrieval. So कहने का ये मतलब कि पूरी तरह से ये मैनुपलेट करता है उस टेक्नोलॉजी को, जो समझता है कि हाँ नहीं आपके माइंड में वो टर्म्स नहीं आ रहे, सो ही विल बी इससे कि हाँ इस टर्म्स को भी आप अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे एनएलपी कंप्राइजेज एलिमेंट्स लाइक वर्ड सिगमेंटेशन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस, मीनिंग एक्सट्रैक्शन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नेम्ड एंटिटी, लेबलिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मेथड्स। कहीं ना कहीं दिस वन इज पार्ट ऑफ द एआई टेक्नोलॉजी, बट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि आपको समझना है कि ये सिस्टम भी कैसे आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर सकता है। एनएलपी फाइंड्स प्रैक्टिकल यूजेज इन एप्लीकेशन लाइक ऑटोमेटेड चैट सिस्टम, असेसमेंट ऑफ सेंटीमेंट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हेल्थ केयर रिकॉर्ड, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कस्टमर सर्विसेज। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आप यूज करके एक बेटर रैंक आप कर सकते हो, राइट? अब ये देखिए, ये जो डेटा मैंने निकाली है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, अब आप ही सोच लो 2022 से 2032 में मार्केट कहाँ पे जा रही है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं आप यूज करते हो ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आज के मार्केट में ग्रो हो रही है। डरने से काम नहीं चलेगा, बिंदास हो कि आपको काम करने की ज़रूरत है, डर से कुछ भी नहीं होना है, आप बिल्कुल काम करते थे और रिजल्ट्स आपको अपने आप ही मिलेंगे। और कहीं ना कहीं इसके डिटेल्स आपको पढ़ने, एनएलपी लॉट्स ऑफ द रेफरेंस साइट इन अवेलेबल ऑन द गूगल, आप जाओ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड एवरी काइंड ऑफ एवरी टाइप्स ऑफ द डेटा आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, स्टडी समझ सकते हो। सो अगर मार्केट इज इज अ वेरी ग्रोइंग मार्केट, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इस टेक्नोलॉजी को अपने एसईओ के अंदर यूज कर सकते हो। एआई पावर टूल्स, अब एआई पावर टूल्स की तो आपको पता है कि क्या किस तरीके से लोगों को रिजल्ट दे रही है। इसकी सबसे बड़ा प्रूफ है जब आप इंस्टाग्राम जैसे टूल, ट्विटर जैसे टूल्स, लिंक्डइन में आप देखोगे ना, तो मत पूछिए इतने टूल्स अवेलेबल हो गए हैं विद इन अ 2 ईयर्स कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि विच वन इज बेटर, विच वन इज द रस्ट। आप देखो इससे कितने लोगों को फायदा रहा, 40% इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, 33% इनके कन्वर्सन रेट, दस इम्प्रूविंग सर्च इंजिन रैंकिंग। ये सर्च इंजिन लैंड की रिपोर्ट है। अब गूगल कहता है कि आप यूज मत करो एआई कंटेंट, सो आपके पास आपके रिजल्ट्स हैं ये हैं। अब सबसे बड़े माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, यार ये एआई पावर टूल्स मैं कहाँ से लूँ, कौन सा टूल्स मैं यूज करूँ, किस तरीके का टूल्स यूज करूँ, लॉट्स ऑफ द टूल्स है, कन्फ्यूजन है, कौन सा यूज करने पर बेटर रिजल्ट आएगा। होते हैं ये सारे, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको किस तरीके के टूल्स को यूज करने की जरूरत है, राइट? अभी आप देखो, अब एआई पावर्ड की जो टूल्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू देखिए, की इनसाइट्स कहाँ पहुँच रही हैं। 2023 में 4.3 बिलियन US डॉलर थे, अभी वैल्यूएशन क्या है 2033 तक US 24.7। कितना टर्म डेटा ज़्यादा है, आप सोचो 23 से लेके 20, अगर मैं को 33, 10 साल में मार्केट कहाँ चली जाएगी इसकी। सो If you are planning to research, planning to create a good tools for the any type of the research like the keyword, link building or the social media or the campaigning, every kinds of the affiliates, email, so definitely you can see the market status here. Aapke mind mein bhi aa raha hoga ki haan, something you can do from this of the techniques. Video content sabko pata hai aaj ki date mein ki kitni zyada important hai. एक की जो विजिबिलिटी होती है, एक लोगों के माइंड में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बनती किससे, वीडियो से बनती, इंगेजमेंट। एआई ड्राइवन वीडियो ऑप्टिमाइजेशन टू एनालाइज यूजर प्रेफरेंसेस टू क्रिएट इंगेजिंग वीडियो कंटेंट रिजल्टिंग इन वेबसाइट बीइंग 53 टाइम्स मोर लाइकली टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट्स। 53% यानी 53 टाइम्स मोर, आप समझ लो कि क्या इसकी वैल्यू है। और इस वैल्यू को आप देखो यहाँ पे ग्राफिकली आप देखते हो तो मार्केट वैल्यू आप देख लो किस तरीके से, कहीं भी आपको नज़र आ रही है कि ये ग्राफ नीचे जा रही है, एवरी टाइम्स ये बढ़ती ही जा रही है। ये डेटा 2024 और 2032 के बीच की है। सो आप देख लो, इस डेटा को समझ लो तो आपको पता चल जाएगा बिलियन यूएस डॉलर में ये मार्केट कहाँ पे जा रही है। वीडियो कंटेंट की वैल्यू क्या है, मार्केट साइज के हिसाब से आप देख लो कितनी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल रही है, राइट? इमेज ऑप्टिमाइजेशन, देखिए जहाँ पे वीडियो है वहाँ पे मिले, एक ग्राफिकली भी आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो तो बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। और रिजल्टिंग किस तरीके से मिलते हैं,
अगर आपने कुछ एआई एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज इमेजेस को सर्च इंजन के लिए यूज करते हो तो 12% इंक्रीज इन द वेबसाइट ट्रैफिक एंड इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। ओके, और ये भी देखिए सर्च इंजन जो सोर्सेज ली गई है सर्च इंजन वास से ली गई है। सो आप देख लो यहाँ पे भी डेटा बिल्कुल पॉजिटिव है। 2020 से स्टार्ट हुई थी एंड 2030 तक कहाँ पहुँच जाएगी, अभी हमारा चल रहा है 2020, हम यहाँ हैं, हाफ से भी 3 times ज़्यादा यहाँ पे ये डेटा शो हो रही है। सो डेफिनेटली आप समझ लो कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन के बिना तो सिस्टम वर्क करेगा नहीं, क्योंकि जब तक साइट ओपन नहीं होंगी रिजल्ट आपको बेटर नहीं मिलेंगे। तो एआई पावर्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइन इंश्योर्स वेबसाइट आर मोबाइल फ्रेंडली लीडिंग टू ए 67% इंक्रीज ओवर द ऑर्गेनिक। क्यों? आपकी अगर साइट ओपन होती है फास्ट तो डेफिनेटली आपको लीड सेल्स आप मैक्सिमम जनरेट कर सकते हो, और यही टारगेट लोगों की होती है कि लोगों को वेट ना करना पड़े साइट ओपन होने में, इंस्टेंट ओपन होनी ज़रूरी है। इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसीडर करना होगा। एआई टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करते हो तो उसके थ्रू भी आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द डेटा जो मैंने यहाँ पे निकाले ना की वैल्यू। आप देखो यहाँ पे का जो वेबसाइट्स जो यहाँ पे ये डेटा निकल के आ रही है ना, अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टू द कंपनी वेबसाइट्स, ये आप देख लो यहाँ पे एनिमेशंस, इन्फोग्राफिक्स, टाइपोग्राफी, वीडियोज, इमेजेस कितने ज़्यादा यूज हो रहे हैं, कलर्स की कॉम्बिनेशंस। देखिए दीज आर द जो मैंने यहाँ पे डेटा जो स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूँ, जो आपको ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यही इंडिकेट कर रही हैं कि द मार्केट इज नाउ, द मार्केट इज द दिस वन एंड नाउ मार्केट विल बी द ह्यूज आफ्टर द 10 years। कहीं ना कहीं एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स कर रही हैं, तो इसके पीछे भी है कि इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के माइंड में जरूर चल रही है कि क्या हम एआई सर्च इंजन डेवलप कर सकते हैं या नहीं। और अगर किसी ने कर दी तो आप समझ लो कि हु विल बी द चैम्पियन इन द एआई टेक्नोलॉजी, राइट। और आई थिंक अभी तक तो कोई सक्सेस नहीं है, मैंने तो देखा कि कोई भी सक्सेस नहीं है उस कंडीशंस में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि उस डेटा को आप किस तरीके से आप अपने अगर मैनिपुलेट कर सकते हो। अभी आप देखो मैंने मोबाइल की बात कर रहा था, टॉप रीजन्स वाई मोबाइल विजिटर्स लीव अ वेबसाइट, आप देख लो खुद ही देख लो यहाँ पे स्लो से क्या स्थिति हो जाएगी। ओके, आप देख लो यहाँ पे आउटडेटेड डिजाइन से क्या फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे आप देखो सारे तरह के डेटा आ रहे हैं। ये देखिए स्लो लोडिंग 88.5%, क्यों छोड़ देते हैं स्लो लोडिंग? आप जो 90% लोग तो आपके स्लो स्पीड की वजह से चले जाते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिव की वजह से 73%, बैड नेविगेशन 61.5%, आउटडेटेड डिजाइन 38.5%, पुअर कॉन्टेंट स्ट्रक्चर 34%, ऑब्स्ट्रक्टिव यूज ऑफ वीडियो ऑडियोज नहीं होते तो 3.8% पीपल छोड़ के चले जाते हैं। तो क्यों ना आप उन सारे टेक्निक्स को यूज करते हुए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करो, जिससे कि यू विल बी डिजर्व करो कि हाँ आपको बेटर रिजल्ट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। सो दीज आर द बिग डेटा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सोशल सिग्नल्स की क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हो ना तो लोगों के माइंड में ये रहता है दीज आर वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंगेजिंग कंटेंट, और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर पड़ता है, 63% जो लोग हैं वो कहते मानते हैं कि अगर कंटेंट में पावर है तो डेफिनेटली मैं आपके कंटेंट को लाइक करूंगा। तो वो भी तो एक लिंक अर्निंग ही हो गए ना, कितने लोगों ने लिंक्डइन में फॉलो किया, कितने लोगों ने ट्विटर पे फॉलो किया, कितने लोगों ने और भी अनदर चैनल्स पे फॉलो किया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको इस तरीके का कंटेंट को तरीके से आप अगर समझाते हो तो वहाँ पे आप अचीव कर सकते हो बेटर रिजल्ट्स, आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैंने पिछली वीडियो शायद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बनाई थी और उसमें मैंने काफ़ी कुछ डेटा भी इंक्लूड किए थे। अगर आप चाहो तो मैंने ये बताया था कि वाई इन्फ्लुएंसर आपकी चीज़ों को समझ नहीं पाते, आपके कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, वो आप उस वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन सी वीडियो है यहाँ पे। अब आप देखो एआई ड्राइवन इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफिकेशन एंगेजमेंट टूल्स इनहांस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन एज जनरेटिंग अप टू 11 times पर हायर आरओआई एंड इम्प्रूविंग सर्च इंजन रैंकिंग। अब मैंने जितने भी ग्राफिक्स यहाँ पे आपको दिखाए, ग्राफ आप देखो कोई भी अगर ऐसा हो कि 2023 में कम हो और 2030 में वो बहुत ही ज़्यादा हो,
ये ऐसी ही सारी डेटा है, ऐसा कुछ हुई है ही नहीं कि आज कम थी कल कम हो जाएगी और परसों फिर बढ़ जाएगी, नहीं, सारे डेटा वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। सो अब आप यहाँ पे देख लो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हो तो कितना बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। EAT बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि EAT कंसेप्ट अगर आप यूज़ करते हो, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज ऑथरशिपनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, डेफिनेटली यू विल बी लीडिंग द 65% इंक्रीज इन द सर्च इंजन रैंकिंग एंड हायर यूजर ट्रस्ट, ये मौज कहती है। सो आप देख लो, डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से कंटेंट को आप बनाते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि आपकी कंटेंट में कितना पावर है, और आपको समझ में भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो रैंक कर गया, जो रिजल्ट्स देगी उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? तो EAT कंसेप्ट को ज़रूर आप फॉलो करो। मैं जब भी कुछ इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आप इसे फॉलो करो, इससे आप बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। दीज आर द समथिंग द एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसे भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैंने ये सारे लाए हैं, ये कहीं ना कहीं एक एनालाइज की हुई डेटा है जो लोगों ने बनाई है, और मैंने उसे एक जगह ला कर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो अट्रैक्ट भी होते यार, इंगेजमेंट भी होगी आपकी, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे मिस हो जाए। कंटेंट की जब वैल्यू बढ़ती है ना, सो वही समझ सकता है जिसने इसकी वैल्यू को बढ़ाई हो, जिसे इसे पर्टिकुलर ब्लॉग से या वेब कंटेंट से या आर्टिकल से उसे ट्रैफिक मिला हो, उसे रिजल्ट्स मिला हो, राइट? लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आज की डेट में भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। AI कंटेंट जनरेशन टू असिस्ट इन क्रिएटिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रिजल्टिंग इन हायर रैंक एंड 77% मोर बैक लिंक्स, ये कहता है बैक लिंक को। देखिए, इसने प्रूफ किया हुआ है, इसीलिए इसकी सोर्सेज वहाँ पे बैक लिंक को लिखी गई है। और जो लोग प्रूफ करते हैं वो बिल्कुल घबराते नहीं हैं, उनको पता है कि किस तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी आप देख लो, 1000 और 2000, 3000 और 10000 के बीच के कंटेंट की डिफरेंसेस। तो ये नहीं है कि कंटेंट की आपकी पावरफुल नहीं है, कंटेंट जितना पावरफुल, एक्यूरेट इमेजेज, इंफोग्राफिक्स, एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सारे डेटा होंगे, लिंकिंग, तो फ्रेंड्स आप सोचना खुद ही खुद आपको लिंक बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपकी कंटेंट को अपने साइट पे लिंक देंगे, और वो क्या होता है, लिंक अर्निंग। डैट्स ए बिग स्ट्रैटेजी। ये नहीं कि मैंने आर्टिकल पब्लिश की और उसको मैं कंटेंट को मैं ये कर रहा हूँ, लिंकिंग कर रहा हूँ। नो नीड, दिस टाइप ऑफ लो टाइप ऑफ द वेबसाइट आपको यूज़ नहीं करनी है। तरीके के वेबसाइट यूज़ करें, चार लिंक बनाओ, चार लिंक इतने पावरफुल होने चाहिए जिससे कि लोग ट्रस्ट कर सके, गूगल का एक ट्रस्ट बने और वो रैंक करे। वेबसाइट सिक्योरिटी SSL की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी SSL होती है साइट, तो 30% इंक्रीज चांसेस बन जाते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक और हायर सर्च इंजन रैंकिंग की। ये गूगल ही कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से HTTP साइट आपकी नहीं होती है तो आपकी 32% का इम्पैक्ट वो पड़ सकता है आपकी साइट पर। लिंक बिल्डिंग, AI ड्राइवर लिंक बिल्डिंग एनालिसिस टूल जो है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स अपॉर्चुनिटी भी देती हैं, एंड 97% इंक्रीज द ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। ये देखिए बहुत बड़ी डेटा, 97% की ये बात कर रहा है। मैंने यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट किए हैं डेटा आपको, वो सारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके सर्च इंजन रैंकिंग से रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ओके, आप समझ जाओगे कि AI ड्राइवर लिंक एनालिसिस टूल से भी आप कितना ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो, राइट? ऑन एवरेज कंपनीज स्पेंड ओवर द $1000 टू ऑब्टेन अ हाई क्वालिटी लिंक, लोअर क्वालिटी लिंक्स $300, वाइल हाई लिंक की क्वालिटी कॉन्टेक्चुअल बैक लिंक रेंज फ्रॉम $700 से $2000 और मोर पर भी। ये सोर्सेज देख लीजिए कहाँ कहाँ से आई हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग भी लिंक एनालिसिस करते हैं, लिंक बनाते हैं, उनके पीछे होती है पावरफुल टेक्निक्स कि वो कैसे यूज करेंगे, उनके पीछे होती है स्ट्रैटेजी, उनके पीछे होती है प्लान कि कैसे प्लान को आपको वहाँ पे ले जाना है। सो आप समझ सकते हो कि हाईएस्ट आपने अगर अच्छे पैसे लगाए तो आपको बेटर, आपकी डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ेगी। ये चीज़ दो चीज़ें आप समझो, अगर आप ऐसे चाहते हो कि साइट बना ले और टॉप क्लास के लिंकिंग करें पेमेंट लगा के, बहुत लोगों की होती है कि 5% पीपल आर सक्सेस। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पैसे की पावर भी होती है, पैसे यूज करते हैं, ये करके आप बैकलिंक्स वहाँ से खरीद सकते हो। ये तो ये सिस्टम है।
दूसरा सिस्टम यह है कि आपकी साइट है, आप ब्लॉक करो, आप तरीके से ब्लॉक करो, ऐसे ब्लॉक को बनाओ 2 से 10 में आपको रिजल्ट्स पता नहीं चलेगा, 10वें से जब 20वें पे आप आओगे तो आपको वो रिजल्ट्स दिखेगी, और जब वो रिजल्ट्स दिखेगी तो वो सारे जितने भी पावरफुल लिंक्स लोग बना रहे हैं वो छोटे पड़ जाएंगे आपके सामने। क्यों? लोगों को जो पसंद आती वो है कंटेंट, कंटेंट की वैल्यू। अगर आप कुछ इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर इन्फोग्राफिक्स कर रहे हो, वीडियोज कर रहे हो, वो कितना पावरफुल है ये मायने रखता है, राइट? AI ड्राइवन पर्सनलाइजेशन। अभी देखिए पर्सनलाइजेशन की लोग बहुत बात कर रहे हैं। AI पावर्ड पर्सनल टूल डिलीवर कस्टमाइज कंटेंट एक्सपीरियंसेस, इंक्रीजिंग कन्वर्सन्स बाय 85% एंड इम्प्रूविंग सर्च इंजन रैंकिंग थ्रू इन्हांस्ड यूजर इंगेजमेंट। अब आप सोचो कि अगर आपने उसको पर्सनलाइजेशन टूल जो होते हैं, पर्सनलाइजेशन टूल जो AI की है, अगर आप इसको यूज करते हो, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, सो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आपको भी दिखेगा ही ना, कि नहीं दिखेंगे? डेफिनेटली दिखेंगे। और उसे कैसे यूज करना है ये आपको समझता है। मैंने यहाँ पे जो डेटा बना के आपको दिखाई है, ये सारे करीब 23 पॉइंट्स अप्रॉक्स हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपके रैंक के लिए ही बनाई गई है, आपके रिजल्ट्स के लिए ही बनाई गई है। लोग जो डर है वो डर को आप निकालो और डेफिनेटली ऐसे टर्म्स को यूज़ करो। आपको स्टैटिस्टिक्स बता दी, आपको पूरी ग्राफ्स के साथ समझा दिया है कि आप इसे अचीव कर सकते हो, राइट? और मैं कहूँगा कि अगर आपको इसके बारे में पर्सनलाइज की पढ़नी है कुछ डेटा, तो आप डेफिनेटली बहुत सारे साइट अवेलेबल है, आप देख सकते हो व्हाट इज AI पर्सनलाइजेशन, और उसको समझो। मैं हर चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होती है उसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि उसमें टेक टाइम लग जाता है, लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। मैंने देखा है लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, पता है कि उनको ज़रूरत है, बट वो चाहिए क्या, पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव कर दी कि हाँ इतने ही डेटा में आप समझ जाओ कि AI ड्राइवन पर्सनलाइजेशन वर्क कैसे करता है, इतने ही डेटा में आप समझ जाओ लिंक बिल्डिंग कैसे वर्क कर रही है, वेबसाइट सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो लोग ऐसे ही डेटा, छोटे छोटे डेटा को पढ़ना पसंद करते हैं, नॉट ए बिग डेटा, क्योंकि उनके पास टाइम है ही नहीं इतना पढ़ने की। ओके, सो आप अगर इसे यूज करते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो मेरी चैनल, जो मैंने आपको एक तो आउटरीचिंग के बारे में बताया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, एक सेकेंड, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि इससे आप पढ़ सकते हो। तो ChatGPT की मैं आपको पॉपुलर वीडियोज, एक सेकेंड, हाँ प्लेलिस्ट में ले जाता हूँ। इस प्लेलिस्ट में आप देख लो, एक तो आपको कंटेंट मार्केटिंग कोर्सेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो। एक तो SEO कोर्सेज है जो यहाँ पे फुल प्लेलिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या की गई है। तो कहना कि मैंने भी AI टेक्नोलॉजी से बहुत सारी वीडियोज बनाए हैं, अगर आप इन तीन वीडियो को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, दीज आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो आप अपने साइट के लिए यूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप टूल्स क्या यूज करोगे SEO। अब देखिए मैं ना बड़ा सिंपल सा लिखता हूँ यहाँ पे SEO AI टूल्स। अब बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, SEO.AI आ गए, राइट? अब यहाँ पे देखिए हब स्पॉट की है SEO। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है कि यार कौन सा टूल यूज करें, विच वन इज बेटर। फ्रेंड मैं कहूँगा 10 चीज़ों के पीछे भागने से अच्छी है आप ये सब डेटा जो लोग ले रहे हैं ना, ये AI SEO, व्हाट इज दिस वन, मेरा ये मानना है। सारे ये ChatGPT की API यूज करते हुए डेटा तो निकाल रहे हैं, आप डेटा ही यूज करो ना, ChatGPT जैसी डेटा को यूज करो, वहाँ से बहुत सारे कंटेंट निकलते हैं। इवन मैं भी यूज करता हूँ और बिल्कुल तरीके से निकाल के उसे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करता हूँ, अपडेट करता हूँ, और तब वो जाके बेटर रिजल्ट्स मुझे देती हैं। ऐसा जरूरी नहीं, अगर आप टूल्स लेना चाहते हो तो SEO.AI आप यूज कर लो, ये बहुत ही अच्छी टूल्स है और मैं इसको भी यूज किया है, बट मैं इतना बिलीव नहीं कर सकता। ज़्यादा टूल्स पे भी डिपेंडेंसी रखना भी ना एक गलत है। अब ये तो टाइम इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज और प्रोमोट करते हैं अपनी साइट को। ओके, प्राइसिंग भी इसकी ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ा प्राइसिंग नहीं है। आप देख लो $49 पर मंथ है, यहाँ आर्टिकल्स भी निकाल सकते हो, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ से, लॉट्स ऑफ द थिंग्स, सोशल वगैरह के सारे बना सकते हो। फीचर्स पर आप यहाँ पे आकर फीचर्स देख सकते हो, किसने क्या क्या फीचर्स यहाँ पे दी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि टूल्स तो लॉर्ड्स ऑफ द थिंग्स है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा आप ChatGPT को यूज करते हुए लॉर्ड्स ऑफ द टूल्स यू कैन क्रिएट। आप बना सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, जो मर्जी है आप कर सकते हो, इससे तरीके से पूछोगे। और इसने तो GPT-4o आ गई है, तो इसकी तो कुछ फ्री में तो फीचर्स आ ही रहे जो आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं यूज करता हूँ उसको बेनिफिट्स आप ले सकते हो। लेना है तो इसकी पेड सब्सक्रिप्शन $20 की आती है,
वो ले लो तो आपको फिर किसी टूल्स के पीछे मुझे नहीं लगता कि भागने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर डेफिनेटली मैं डिजर्व करता हूँ कि हाँ दिस वन इज़ अ कुछ इन्फॉर्मेटिंग डेटा मैंने शेयर की है, सो मेरे आप वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ़ यू।